हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथ्स का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली 2022-23 के सेशन के लिए, उसमें चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। जैसे आपको पता है कि टर्म एंड एग्जाम होने वाला है, एक ही एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का टाइम है ना। तो उसमें चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, आज के वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चे। क्योंकि जो सीबीएसई ने जो पीडीएफ लॉन्च किया था उसमें यूनिट वाइज उसने वेटेज बताया था। जैसे कैलकुलस का पोर्शन है तो वो 35 मार्क्स का आने वाला है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहां पर मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 सारे चैप्टर के यहां पर नंबरिंग करके बच्चे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि मैं कौन सा चैप्टर में कम टाइम दे करके मैं ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, ये सब मैं सोच सकता हूँ जब मुझे पता रहेगा कि उसका वेटेज क्या है। तो अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 की, अगर मैं बात करूँ बच्चे चैप्टर 1 की, दैट मीन्स अगर मैंने बात किया रिलेशन एंड फंक्शन की, तो इसका वेटेज है लगभग 5 मार्क्स। कितना है बच्चे? 5 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर 1 का। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बच्चे चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 कौन सा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका वेटेज होता है बच्चे 3 मार्क्स का। इसका वेटेज कितना है? 3 मार्क्स का है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं थर्ड चैप्टर की, दैट मीन्स चैप्टर 3 की अगर मैं बात करता हूं, तो चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिसेस और इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। ये अप्रोक्सीमेट वेटेज बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही हो, 1 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होता है इतना ही है। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है तो उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ बच्चे। चैप्टर 2 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, चैप्टर 3 के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे चैप्टर 4 की, अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 की, तो इसका वेटेज होता है 6 मार्क्स का। इसका वेटेज कितना है? 6 मार्क्स का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, तो बच्चे जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, दैट मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका वेटेज होता है 5 मार्क्स का। और अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 की, तो मैं बता रहा हूं बच्चे जो चैप्टर 6 है, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका वेटेज होता है बच्चे 8 मार्क्स का। इसका वेटेज कितना होता है? 8 मार्क्स का होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और अगर मैं बात करूं चैप्टर 7 की, चैप्टर 7 है हमारा इंटीग्रल्स, चैप्टर 7 का वेटेज होता है बच्चे 9 मार्क्स। चैप्टर 7 का वेटेज है 9 मार्क्स। एंड अगर मैं बात करूं चैप्टर 8 की, तो जो हमारा चैप्टर 8 है, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसका वेटेज है 5 मार्क्स। इसका वेटेज है बच्चे 5 मार्क्स। और अगर मैं बात करूँ चैप्टर 9, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसका भी वेटेज होता है 8 मार्क्स। डिफरेंशियल इक्वेशन वेटेज 8 मार्क्स। सिमिलरली बच्चे अगर मैं बात करूँ चैप्टर 10 की, तो हमारा जो चैप्टर 10 है ये है वैक्टर्स। वैक्टर्स का वेटेज है कितना? वैक्टर्स का वेटेज है 7 मार्क्स। इसका वेटेज है 7 मार्क्स। एंड अगर मैं बात करूँ चैप्टर 11 की, तो चैप्टर 11 है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और इसका भी वेटेज है 7 मार्क्स। इसका भी वेटेज होता है 7 मार्क्स। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 मतलब हमारा लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसका वेटेज होता है 5 मार्क्स। तो इसका वेटेज कितना है? 5 मार्क्स है। और लास्ट में लास्ट है हमारा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, और इसका भी वेटेज है बच्चे 8 मार्क्स। इसका वेटेज कितना है? 8 मार्क्स है। यहां पर मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया बच्चे, और रिड्यूस्ड सिलेबस का जो वीडियो था वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पर मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज बता दिया था कि हाँ ये क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन सिलेबस में है, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, इस क्वेश्चन को कर लो, इसको मत करो। तो ये इसके लिए जो रिड्यूस सिलेबस की वीडियो है वो पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, आप अपनी अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है बच्चे। क्योंकि देखो अभी सीबीएसई अभी होगा क्या कि सीबीएसई ने क्या किया है, सिलेबस को कम कर दिया है। सिलेबस को कम होने की वजह से क्या होगा, पेपर टफ बनेगा। पेपर अगर मैं लास्ट ईयर का कंपैरिजन करूंगा, लास्ट टू लास्ट ईयर का कंपैरिजन करूंगा, जब फुल सिलेबस आता था तो पेपर इजी बनता था। अभी सिलेबस कम हो गया है, 30% रिड्यूस्ड हो गया है ना, 30% या 25% जितना भी रिड्यूस्ड हुआ है, तो इससे क्या होगा, 20% या 35% पेपर का लेवल अप हो जाएगा, पेपर टफ आने लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चे।
उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।